स्त्री का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के सात दाने। एक काली मिर्ची और तिल्ली के काली तिल्ली के कितने दाने? सात दाने। हथेली में रखकर अपनी कामना कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना। कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब हम लाल धागे में रुद्राक्ष को पहनते हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष पहनो तो गुरु मंत्र लेना पड़ता है, गुरु दीक्षा लेना पड़ती है। हम कहते हैं तुम्हें रुद्राक्ष मिल जाए और तुमने गले में पहन लिया तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के भी पहन लिया तो समझ लेना शंकर जी ने गुरु मंत्र दे दिया और शिव ने स्वीकार कर दिया। बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादी देव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो, या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या दो महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा, शहद में वो फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो शंकर भगवान ने कहा था लक्ष्मी बस इतना करना, प्रत्येक सोमवार के दिन तू बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना और वहां बैठकर वहां पर झाड़ू लगाना। शाम के समय जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन दिया लगाए उसके घर में तू प्रवेश कर जाना। आज भी नियम है, अगर जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकी, जिसके यहाँ संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, साहब लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र दो महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो, जिसको सब ठुकरा देते हैं उसका एक है वो देव अधिदेव महा